हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हमारा जो एमएसटी सीरीज का लेक्चर है, जहां पे हम लोग तीन चैप्टर कवर करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेक्शन 17 and 18, एंड देन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो गाइस बने रहेगा वीडियो के साथ। आज पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करें, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अ रेट ऑफ अ रिएक्शन। बराबर है? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों? द रेट ऑफ रिएक्शन डिस्क्राइब हाउ रैपिडली द रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म। ठीक है, किस तरह से रिएक्टेंट रिएक्ट होंगे, रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे एंड प्रोडक्ट फॉर्म होंगे इन सर्टन टाइम ओनली, दैट इज कॉल्ड टू बी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ना बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या हम लोग कहेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट सी द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ना यहाँ पे इक्वेशन ये होता है कि वाई एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वी हैव टू कंसिडर। ठीक है, वाई नॉट रेट ऑफ रिएक्शन? देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन के डिफरेंट फैक्टर है टू अफेक्ट, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन इज वन ऑफ द फैक्टर। ठीक है, रिएक्शन की स्पीड, यानी रेट ऑफ रिएक्शन यानी क्या? स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है एट स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी 100%। जैसे जैसे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन नीचे चला जाएगा, रिएक्शन की स्पीड कम होती जाएगी। एंड ऑफ द रिएक्शन स्पीड इज वेरी मच लेसर। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द रेट ऑफ स्पीड ऑफ द रिएक्शन एंड टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड, दोनों में बहुत ही डिफरेंस हो गया। दैट्स वाई द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जनरली लिया जाता है। दैट इज ओनली, अगेन, द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज अपॉन चेंज इन टाइम। उसके लिए अगर प्रोडक्ट है तो फॉर्म होगा, तो एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, दैट इज माइनस ए इन माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी माइनस साइन क्यू, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट सॉरी कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट। एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो प्लस साइन है और नेगेटिव साइन है फॉर द कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नेगेटिव साइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज स्पेसिफिक इन इंस्टेंट, दैट इज कॉल्ड टू बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ओनली। ओके, नाउ एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरीथिंग इज डन। आगे बढ़ेंगे फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, रेट लॉ। ओके, देखो गाइस, रेट लॉ क्या एक्सप्रेस करता है? रेट लॉ सिंपली अ लॉ व्हिच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे देख लो तो ए प्लस ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी फ्रॉम सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी, ये एक जनरल रिएक्शन हमने कंसिडर किया। इसका रेट लॉ क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि ए और बी ये दो क्या है बच्चों? यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन, इसी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड होगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई, जहाँ पे एक्स एंड वाई क्या ये एक्सपोनेंट क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं बच्चों? कितने मोल्स रिएक्टेंट ए एंड बी के यूज हुए हैं यहाँ पे, वो एक्सप्रेस करता है। सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा दिस वन रेट लॉ। नाउ राइटिंग ऑफ रेट लॉ, ये जो एक रिएक्शन है समझ लो, राइटिंग ऑफ रेट लॉ। सी, रेट लॉ हम लोग लिख नहीं सकते, नाउ इट्स अ सिंपली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। समझ में आ गया क्या है एग्जैक्टली? सिंपली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। तो 2H2O2 एक सिंपल रिएक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, डिकम्पोज फॉर्म्स टू एच टू ओ प्लस ओ टू। सो एक्सपेरिमेंटलिटी सेज दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू ओ टू। रिमेंबर यहाँ पे 2 moles एच टू ओ टू को यूज हुए, बट यहाँ पे रेट लॉ एक बोल रहा है कि ओनली 1 mole ऑफ एच टू ओ टू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू ओ टू रेस टू वन है ना ये। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू ओ टू रेस टू नथिंग, मतलब रेस टू वन, तो सिर्फ 1 mole ऑफ एच टू ओ टू इज यूज ओवर देयर। इसके इसीलिए उसको एक्चुअली बोलेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो तो ये जो रेट है आप या मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट? ये एक सिंपली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तो सारे न्यूमेरिकल्स है। नाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग रेट लॉ से ही फाइंड कर सकते हैं। सिंपली इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट एक्सप्रेस इन रेट लॉ। क्या है? सम ऑफ एक्सपोनेंट एक्सप्रेस इन रेट लॉ। देखो, दस द ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर टू द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ। जो रेट लॉ के ऊपर जो पावर है उसका सम कर दो तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। देख लो पहला एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 गिव्स टू H2O+O2। रेट क्या कह रहा है? रेट लॉ क्या कह रहा है? रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 रेस टू वन है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट वन इफ द एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन रेट लॉ फॉर द रिएक्शन एच टू प्लस आई टू गिव्स टू एच आई, रेट लॉ क्या कह रहा है देखो, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एच टू इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आई टू, एच टू रेस टू वन आई टू रेस टू वन, वन प्लस वन इक्वल टू टू, सो द रेट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ द की पॉइंट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देख लो क्या है, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन, जैसे मैंने बोल रहा था एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, राइट। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैनॉट बी जीरो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जस्ट मिनट, ऐसा पॉसिबल है नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन यू नो किसी रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ना हो, तो इट कैनॉट बी जीरो ओनली, ओके। चलो तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। एंड ओनली फ्यू रिएक्शंस आर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, मैक्सिमम आपको मिलेंगे फ्रैक्शन में या फिर यू नो वन ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वेरी फ्यू रिएक्शंस आर इन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल्स है, ओके। देन तो यहाँ पे न्यूमेरिकल देख लो बच्चों, अगर ये प्रॉब्लम है समझ लो दिस वन, या सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर इन इन बी, हेंस द रेट लॉ कैन बी गिवन एज, ठीक है। तो रेट लॉ फाइंड करना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर इन ए, तो के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू वन, सेकेंड ऑर्डर इन बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू टू, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हेंस द रेट लॉ यू नो एक्चुअली सम इज ओवर हियर ओनली, हाँ। तो हमें यहाँ पे आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट यानी क्या, के फाइंड करना है यहाँ पे। तो फिर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिया, तो के इज इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू बी स्क्वायर, रेट की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन, सिंपली हम लोग रेट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ओके, सॉरी रेट कॉन्स्टेंट फाइंड कर सकते हैं, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, फिर मॉलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन यानी क्या बच्चों, द रिएक्शन सिंपल रिएक्शन एक्चुअली जो कि सिंगल स्टेप में फॉलो होंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी मोर देन वन स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाता है। मॉलिकुलरिटी क्या होता है बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन की, मॉलिकुलरिटी यानी सिंपली द नंबर ऑफ अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रिएक्शन में, उसके ऊपर मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड है। अगर एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे, अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इन्वॉल्व इन द रिएक्शन तो उसको बायमॉलिक्यूलर या डायमॉलिक्यूलर कहेंगे, ओके। चलो आगे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है एक्जैक्टली, डिफरेंस ही एक्चुअली हमें देखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी इट इज अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हम लोग बच्चों प्रेडिक्ट कर सकते हैं राइट, बाय सीइंग द इक्वेशन ओनली हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आराम से लिख सकते हैं कि उसमें एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है या दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो हमें रेट लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट दोज अपीयर इन द रेट इक्वेशन, एंड मॉलिक्यूलरिटी यानी क्या, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट, इट मे बी एन इंटीजर फ्रैक्शन और जीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी कैन इट इज इंटीजर ओनली, कैनॉट बी फ्रैक्शन और जीरो, ठीक है, जीरो तो हो ही नहीं सकता, नो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो ऐसा तो नहीं होगा, ओके। आगे बढ़ेंगे फिर दिस वन इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे हमने रिएक्शन को कंसीडर किया ए रेस टू पी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फाइनल इक्वेशन ही हमें याद रखना है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी, वेयर के क्या है बच्चों रेट कॉन्स्टेंट, टी इज द टाइम, इट मे बी इन अ सेकंड आवर्स और इन डेज, जो भी होगा वही टाइम, यूनिट चेंज नहीं करना है। ए नॉट यानी क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड ए टी यानी क्या बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी दैट इज अनरिएक्टेड कॉन्सेंट्रेशन, द रिएक्टेंट विच लेफ्ट आउट आफ्टर सर्टन टाइम दैट इज अनरिएक्टेड कॉन्सेंट्रेशन ए टी, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन ये भी हमें ध्यान में रखना है, द इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो दैट इज यही इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, सो विल बी गेटिंग ओनली फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना, दैट इज के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, या फिर टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, डेरिवेशन के कुछ काम नहीं है यहाँ पे, न्यूमेरिकल बेस्ड इक्वेशन आपको मिलेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नाउ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द गैस फेज रिएक्शन, गैस फेज रिएक्शन के लिए फिर फाइनल इक्वेशन हमें याद रखना है, दैट इज के इज इक्वल, देखो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए नॉट बाई ए टी, बराबर ए नॉट रिप्लेस कर दिया बाई पी आई एंड ए टी रिप्लेस कर दिया किससे, दिस इज 2 pi माइनस पी से, सो फाइनल इक्वेशन हमें गैस फेज के लिए मिलेगा k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ पी आई अपॉन 2 pi माइनस पी, ओके।
ना उसी के ऊपर रिलेटेड सम्स है ये सारे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के न्यूमेरिकल, जहाँ पे हमें यू नो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ है, तो 60% डिकम्पोज हुआ है, अनरिएक्टेड कितना बचा 40 इन 45 मिनट्स, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, पहले के फाइंड करना है उसके बाद हाफ लाइफ फाइंड करना है, ठीक है। ओके देन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी क्या, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होगा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी याद रखेंगे हम लोग, दैट इज के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, ठीक है, दैट इज द यूनिट, बट दिस इज के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, दफो के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी, दैट विल बी द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Okay, then half life of zero order reaction. This is the final equation. T half is equal to a naught upon 2k. ठीक है, याद रखना है T half is equal to a naught upon 2k. Okay, that is half life of zero order reaction. Okay, guys. तो फिर अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे. That is pseudo first order reaction. The other topic zero order reaction के बाद integrated rate law for first order reaction हो गया, half life of first order reaction. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये कंप्लीट कर लिया हमने। सेकंड लास्ट टॉपिक है आई थिंक सो, दैट इज सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी क्या बच्चों, ऐसे रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगे, सॉरी हायर ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगे, बट इज सेट टू बी फॉलो दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दीज आर कॉल्ड टू बी सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि देखो ये रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट फॉर्म हो गया एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसिटेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर एंड यूज नेग्लिजिबली, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O टेकन एज अ कॉन्स्टेंट, तो फाइनली द रिएक्शन हम लोग कहेंगे सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन दैट शोज द हायर ऑर्डर काइनेटिक्स बट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज कॉल्ड टू बी सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ओके देन सुडो फर्स्ट ऑर्डर इज डन, नाउ द फाइनल टॉपिक इज कोलिजन थियरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। कोलिजन थियरी, सी कोलिजन थियरी तीन पॉइंट हमें बताती है, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि एक्टिवेशन एनर्जी, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, ठीक है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि कोलिजन कोई भी रिएक्शन को यू नो प्रोसीड करना है तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट को रिएक्ट करना है सिंपली, यानी रिएक्टेंट का कोलिजन हो गया यानी रिएक्शन हो गया, बट दैट इज नॉट द केस एक्चुअली। अलोंग विद द कोलिजन दूसरी चीज होनी चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी यानी क्या, सिंपली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज द एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यानी जब भी कोलाइड होगा मॉलिक्यूल, देखो फॉर द रिएक्शन टू अकियर the colliding reactant molecule must possess the minimum kinetic energy, this minimum kinetic energy is called to be the activation energy। ek bar reactant molecule collision ho gaya to collision hone ke baad ya fir collision hone se pehle bhi do wo reactant molecule mein kuch minimum kinetic energy lagegi jo ki reaction ko furtherly proceed karega, right। jab tak wo energy nahi hai tab tak reaction ka collision hua bhi to aage reaction hogi nahi, understood। so pehla aisa concept tha, pehla aise mana jata tha ki sirf collision ho gaya to reaction hogi, aisa nahi hai actually। along with the collision the reactant molecule should have that minimum kinetic energy, that is called to be activation energy, aur uske baad more importantly the reactant molecule should orient in a proper way, orientation of reactant molecule। dekho jaise ki reaction hum log consider kar rahe hain a plus cb mein, a is a molecule cb is the another molecule, reaction ho raha hai ab form ho raha hai plus c separate ho raha hai yahan pe, बराबर। अब ये देखो द कोलिजन ऑफ दिस वन, द कोलिजन ऑफ ए विथ सी अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए वुड नॉट बी लीड टू द रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन किसका हो रहा है, कंबाइन क्या हो रहा है, ए एंड बी कंबाइन हो रहा है एंड सी सेपरेट हो रहा है, तो बी शुड बी क्लोजर टू द ए। अब ये है ए प्लस सी बी, बराबर, बी दूर चला गया ए से, कोलिजन हुआ भी तो प्रॉपर ओरिएंटेशन ना होने की वजह से यहाँ पे वापस से रिएक्ट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, ए ही रहा एंड सी बी ही रहा यहाँ पे। बट सेम वे ए है, अभी ये बी क्लोजर है ए के, समझ में आ रहा है, बी क्लोजर है ए के, तो अभी डेफिनेटली ए एंड बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, सी विल सेपरेट आउट, फॉर्मेशन ऑफ ए बी प्लस सी विल सेपरेट आउट ओवर हियर। सो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है, तो तीन चीजें, नॉट ओनली कोलिजन, उसके बाद पहली चीज तो कोलिजन होगी, उसके बाद क्या एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये जो एग्जांपल दैट इज कॉल्ड द कोलिजन थियरी। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज
एंड ओवर देयर कोलिजन थ्योरी से हमें यहाँ पे एक्टिवेशन अरेनियस इक्वेशन भी मिलता है। अरेनियस इक्वेशन को याद रखना, दैट इज के इज इक्वल टू ए इन टू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, वेयर के तो रेस कॉन्स्टेंट है, ए यानी क्या अरेनियस कॉन्स्टेंट है, ओके, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर यानी रूम सॉरी गैस कॉन्स्टेंट, एंड टी इज द टेम्परेचर। ठीक है, फाइनल इक्वेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, फाइनल इक्वेशन अपना ये है, लॉग टू द बेस ऑफ के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर into T2 minus T1 upon T1 into T2, T2 minus T1 upon T1 into T2, and then इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, बच्चों हमें तो पता है कि कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट हाउ, किस तरह से वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज गिवन ओवर देयर ओनली। ठीक है, जहां पे देख लो, तो सी हियर, अब कैटलिस्ट क्या करता है एक्चुअली, देखो ये रिएक्शन है, पोटेशियम परक्लोरेट है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2KCl फॉर्म करेगा प्लस 3O2 फॉर्म करता है एक्चुअली, या बट यहां पे देख लो बच्चों, MnO2 इज अ कैटलिस्ट, अगर MnO2 नहीं ऐड करेंगे तो रिएक्शन टेक्स लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली टू कंप्लीट द रिएक्शन, बट वही MnO2 हम लोगों ने ऐड कर दिया तो यहां पे होगा ये 3O2 नहीं है एक्चुअली, इसका डिकम्पोजिशन होता है, टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है ये प्रिंटिंग, 2KClO3 डायरेक्टली ट्रीटेड विद MnO2, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2KCl प्लस 3O2, यहां पे ये 3O2 प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए था, ओके, तो ये ध्यान में रखना जरा, तो MnO2 की वजह से क्या होगा, यू नो द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस, होता क्या है एक्चुअली, सी दिस डायग्राम, बिफोर से एडिंग द MnO2 शायद से एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक है, हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, तो ये यहां से जा रहा है और यहां पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होकर फिर प्रोडक्ट, बट वंस यू एड द MnO2 over there in the reaction at the top you can see over there, ठीक है, तो फिर होगा क्या है वहां पे कि यहाँ पे देख लो, तो इन दिस केस द एक्टिवेशन एनर्जी गेट रिड्यूस, एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस होने की वजह से हुआ क्या यहाँ पे कि वो रिएक्शन जल्दी प्रोसीड हुआ, एंड देन इट फॉर्म्स द फाइनल प्रोडक्ट ओवर देयर, समझ में आ रहा है, तो बाय द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन सिस्टम इज डिक्रीज, एंड दैट्स व्हाई ट्रांजिशन स्टेट जल्दी अपीयर हो रही है, एंड जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट अपीयर हो जाएगा यू विल बी गेटिंग अ प्रोडक्ट, अंडरस्टूड, सो दिस इज द फाइनल टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर गाइज, यहाँ पे हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया वेयर वी स्टडीड व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, देन आफ्टर वी स्टडीड व्हाट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और उसका हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद फिर हमने क्या किया, लर्न किया व्हाट इज कोलिजन थियरी, अरेनियस इक्वेशन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, सो दिस ऑल टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, फॉर्मुलेज अच्छे से याद रखेंगे, नाउ इट्स टाइम फॉर द एमसीक्यूज, एमसीक्यूज देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ओके, ये देख लो द फर्स्ट वन केमिकल काइनेटिक्स से, ओके, नाउ द फर्स्ट एमसीक्यू इज द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, ए प्लस बी गिवन गिव्स प्रोडक्ट, रेट यहाँ पे लिए दिया है, व्हाट इज द रेट कॉन्स्टेंट इफ द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इज 0.22 मोलार सेकेंड इनवर्स, ठीक है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 1 मोलार एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज 0.2 मोलार, यहाँ पे बच्चों देखो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हमें क्या रेट लॉ तो दे दिया है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट यानी के की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट, तो विल गो ओवर हियर, द फॉर्मूला क्या है, रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू 2 बी रेस टू 1, ओके, इफ आई विल गो विथ दिस वन ओनली, सो रेट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू 2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू concentration of B, where we have to find out K is equal to rate upon concentration of A raised to 2 into concentration of B, ठीक है, now we'll see the all the values, ठीक है, सारे values देख लेते हैं, yeah, क्या है values, see, the rate constant find करेंगे, rate is given, reaction, हाँ, the rate of reaction is 0.22 है, rate, A का कॉन्सेंट्रेशन 1 एंड B का कॉन्सेंट्रेशन 0.25, ओके, 0.22 है रेट, ओके, तो रेट है हो गया यहाँ पे 0.22, ये 1 इंटू स्क्वायर इंटू 0.25,
25, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू पुट करनी है हमें। हमारे आंसर जो होगा, लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट हियर, 0.22 इंटू, देखो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही है, सो दैट्स व्हाई 1 इंटू 0.25, दैट इज 0.25 ओनली, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 इज 0.88। ओके लेट मी सी द आंसर। ओके कहाँ पे है बॉस, है क्या 0.88? या सो 3.52, 0.88 एम रेज टू माइनस टू एस इनवर्स, तो दिस इज द बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। समझ में आ गया, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो आगे बढ़ेंगे फिर द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नॉट करेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलो क्या क्या है ऑप्शंस, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर, ये भी तो करेक्ट है, डेफिनेशन है उसकी। इट इज नॉट अफेक्टेड विद द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर कांट बी फ्रैक्शन। ओके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो फ्रैक्शन है बच्चों, हमने डिफरेंस पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड किसका, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शन ऑफ जीरो, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शन, यू नो कैन बी फ्रैक्शन। तो यहाँ पे कांट बी फ्रैक्शन दिया है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है नॉट करेक्ट, सो नॉट करेक्ट इज ऑर्डर कांट बी फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉर द रिएक्शन O3 plus O gives 2O2 if the rate law expression is rate is equal to K into concentration of O3, concentration of O, the molecularity and order of reaction are respectively, molecularity of reaction and order of reaction हमें find करना है। देखो order of reaction, molecularity of reaction, reactant molecule कितना है, एक ozone molecule और एक oxygen atom, 1 plus 1 2, okay, and order of reaction sum of the exponent, concentration of O3 raised to 1, concentration of O raised to 1, 1 plus 1, 2, yani 2, 2 is the answer, 2, 2, 2, 1.33, 2, 1, and so the correct option is A over here, okay, order of reaction 2, molecularity of reaction 2 only, okay. Next, the half-life period for the first order reaction is, half-life period for the first order reaction, half-life period kiske upar depend hota hai, okay, so dekhte hai, proportional to concentration, yeah, it is there. Independent of concentration, see half life is independent of concentration, yeah it is dependent on concentration actually, so inversely proportional to the concentration, inversely proportional to the square of the concentration, so actually independent of concentration is the correct answer, the half life of first order reaction B independent of the concentration, theek hai, ek minute ha। ओके नाउ नेक्स्ट, या व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल इन अ रिएक्शन इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है डबल एंड इट्स हाफ लाइफ इज नॉट अफेक्टेड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज जीरो फर्स्ट सेकेंड और मोर देन जीरो। एक्चुअली अगर डबल है और हाफ लाइफ ऑफ नॉट अफेक्टेड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ओनली, द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज फर्स्ट। ओके और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है डबल, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड ओवर देयर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी फर्स्ट ओनली। नाउ नेक्स्ट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड दे दिया है दैट इज टी हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, देखो यहां पे हाफ लाइफ दे दिया है, क्या है द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6.93। वॉट इज द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग सी हियर, फॉर्मूला यूज करेंगे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, हाफ लाइफ दिया है शायद से, तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, तो 0.693 अपॉन टी हाफ दे दिया है 6.93 आई थिंक सो, लेट मी चेक वन मोर टाइम, या हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ओके 6.93 दे दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू सी हियर, ओके 0.1
0.1 आज में दे दिया ना, तो आइज इनवर्स, तो द आंसर या 1.5 0.1, तो 0.1 इज द करेक्ट आंसर, अगेन द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ओके चलो नेक्स्ट इज, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 12.5 इन 1 आवर, व्हेन वाज इट हाफ कंप्लीटेड. हाफ कंप्लीटेड यानी हाफ कब कंप्लीट होगा, यानी टी हाफ हमें सिंपली फाइंड करना है. टी हाफ फाइंड करने के लिए हमें चाहिए रेट कांस्टेंट. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 12.5%, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कंसिडर करेंगे कितना, 100 रिड्यूस टू 12.5%, तो 80 कितना हो गया, 12.5. ओके ये मिल गया इन वन आवर, यानी टाइम मिल जाता है अपने को. ओके व्हेन इट हाफ कंप्लीटेड, अगेन आई हैव टू गो ओवर हियर. पहले तो हमें के फाइंड करना है, 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी. ठीक है, तो यहाँ पे 2.303 ये 1 आर है, यानी 1 लॉग टू द बेस 10 ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 12.5 बराबर है 100 डिवाइडेड बाय रिड्यूस टू 12.5, तो 80 हो गया यहाँ पे 12.5, 100 बाय 12.5, तो ये 2.303 इनटू log of 8 आ जाता है, 100 divided by 12.5 is 8 only. ये log of 8 देखना है, 2.303 into log of 8, 0.8 का log कितना है, 8 का log है that is 9030, यानी वो ये करेक्ट वैल्यू होगी, कैलकुलेट करेंगे तो 2.41417 ये होगा R inverse. ये हमारा हो गया वैल्यू K का. अब T half फाइंड करना है, T half is equal to 0.693 divided by K. K की वैल्यू हमें मिल गई 0.693 divided by 2.1417. So here, let me check कितना है, 0.693 divided by 2.1417, right? 1417. Okay. So the correct answer is 0.3235. This is in hours. Okay. अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 0.3235, क्योंकि बच्चों आंसर मिनट में दिया है, तो 60 मिनट में अगर करूं तो मैं ये आ जाता है 19.41. The answer will be 19.41 minute. Okay. चलो तो देखते हैं ये आंसर है क्या. देखो आंसर 3 hours 20 minutes 30 minutes and 15 minutes, आई थिंक सो 19.41 इज क्लोज टू 20, तो ये 20 इज द करेक्ट आंसर, राउंड ऑफ करके दे दिया यहाँ पे, तो 20 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, बी ऑप्शन अगेन द करेक्ट वन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से वो सॉल्व करना था. ओके देन विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द कोलिजन थियरी, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द कोलिजन थियरी. देखो रिएक्टेंट एक्सपीरियंस फ्रूटफुल कोलिजन आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ये तो करेक्ट. देयर मस्ट बी अ सर्टन मिनिमम एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट एक्सपीरियंस कोलिजन, ये दैट इज ऑल्सो देयर. द रिएक्टेंट कोलिजन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड बी फ्रॉम एनी डायरेक्शन एंड इनकरेक्ट. हाँ द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज इसेंशियल, I think so. The C option is there. The collision of the reactant molecule, the collision of the reactant molecule should be from any direction. Okay, that is incorrect. That is from perfect direction में होना चाहिए. Orientation of the molecule जो मैं express कर रहा था. ठीक है. So that is correct there. The C option, the collision of the reactant molecule should be from any direction. So should not be from actually any direction. So incorrect statement is the C. And the last one, I think so. इसमें आएगा. हाँ या correct. When a catalyst increase the rate of a chemical reaction, the rate constant. Rate constant क्या होता है? Will it be increases, decrease or remain same? Remain constant, increase, decrease, may increase or decrease depending on the order of reaction. The catalysis increases the rate of reaction, rate constant also increases. ठीक है, रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, के की वैल्यू भी इंक्रीज होगी अगर रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, राइट. रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है तो कॉन्सेंट्रेशन सॉरी दिस वन रेट कांस्टेंट आल्सो भी गोइंग टू बी डिक्रीजेस ओनली. ओके गाइस, सो हियर वी फिनिश फ्यू न्यूमेरिकल्स सॉरी फ्यू न्यूमेरिकल बेस्ड एंड फ्यू थियरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. एक हमारा कंप्लीट हुआ टॉपिक, नाउ विल गो फॉर द अनदर वन. जस्ट अ मिनट, तब तक पानी पी लेता हूं मैं.
या केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया, हम लोग अभी पी ब्लॉक पे चलते हैं। आफ्टर द दिस वन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, ओके एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 यानी पी ब्लॉक एलिमेंट जो 11th में हमने पढ़ा था, पी ब्लॉक 13, 14, 15 इसका दूसरा पार्ट 16, 17 एंड 18। बच्चों यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑल द ग्रुप 16, 17, 18 इज गिवन ओवर हियर, राइट ओके। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो, तो फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ओके इलेक्ट्रॉन दिस वन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी गोइंग टू बी डिक्रीज ओनली फॉर ऑल 16, 17 एंड 18 ग्रुप, ओके एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज दी है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज दी है, यू हैव टू गो थ्रू दिस चार्ट ओनली। कॉमनली हम लोग कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, ठीक है ओके। ऑल दिस गिवन ओवर हियर, आई हैव एक्सप्लेन इन शॉर्ट। Now the physical properties of group 16. तो गाइज ये पूरा चैप्टर जो है दैट इज बेस्ड ऑन द थियोरी पार्ट जो आपको अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा। हियर द एनोमलस बिहेवियर ऑफ सर्टन एलिमेंट, ऑक्सीजन का एटोमिसिटी, ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल वाइल अदर आर पॉलीएटोमिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक वाइल अदर्स आर डायमैग्नेटिक, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2, -1 and +2 वाइल अदर शोज -2, +2, +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज ऑफ द 16 ग्रुप एलिमेंट ओनली, ओके। देन नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन इज दैट इज H2O इज इन लिक्विड स्टेट, और दूसरे जो हाइड्राइड्स है अदर एलिमेंट के दे आर इन अ गैसियस स्टेट ओनली, ठीक है। देन कॉमन वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 है बट दे शोज द अदर एलिमेंट शोज द वैलेंसी मोर देन 2 दैट इज 4, ठीक है। एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑल आर हायर ऑफ फ्लोरीन कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स, आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर लोअर कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द हैलोजन, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, बाकी दूसरा एलिमेंट इतनी एनर्जी रिलीज नहीं करता। इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्साइसिड्स HOF वाइल अदर फॉर्म्स दी नंबर ऑफ ऑक्साइसिड्स, एंड फ्लोरीन हाइड्रोक्लोराइड इज इन लिक्विड स्टेट वाइल अदर हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन दैट लाइक HCl, HI दीज आर इन गैसियस स्टेट, ठीक है। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज यू जस्ट रीड दिस ऑल, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऑफ 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप, यू गो थ्रू इट, आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं है वहाँ पे, सिंपली ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है वो रीड करना है आपको। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड्स फॉर ऑल दिस वन, मेटल्स ही है ज्यादातर, नॉन मेटल्स होगी तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, फॉर्म्स हाइड्राइड्स ओनली, फॉर्मूला दिया है टेट्राहैलाइड्स डाइहैलाइड्स फॉर द 17 ग्रुप, फॉर द 18 ग्रुप, 17 ग्रुप में इंटरहैलोजन कंपाउंड हम लोग सेपरेटली पढ़ने वाले हैं वहाँ पे, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल फॉर 16 ग्रुप अगेन फॉर्म्स द मेटल हैलाइड्स मेटल ऑक्साइड, 17 ग्रुप द एलिमेंट ऑफ 17 ग्रुप फॉर्म्स विद द मेटल फॉर्म्स देयर इज सॉल्ट ओनली, हैलाइड सॉल्ट फॉर्म होंगे, मेटल हैलाइड सॉल्ट। Then this is the important part actually where you know allotropic forms में हम लोग पढ़ेंगे allotropes of sulfur, color देखो rhombic sulfur and monochloric sulfur, ये दो allotropic form है, color है rhombic का pale yellow, monoclonic का bright yellow, shape orthorhombic, monoclinic के लिए needle shape, melting point for rhombic 385.8, monoclonic 393, density of rhombic 2.069 centimeter cube, monoclinic का 1.89, solubility insoluble in water both we are also insoluble in water, soluble in CS2, stability stable below 369 kelvin, rhombic sulfur below 369 kelvin stable है, और अगर वो transfer 369 यानी 369 से ऊपर temperature चला गया 370 के ऊपर समझ लो तो वो transfer हो जाएगा into beta sulfur that is monoclinic sulfur, यहाँ पे stable above 369 monoclinic या beta sulfur 370 के ऊपर ही वो स्टेबल रहेगा, उससे नीचे फिर इट विल कन्वर्ट इनटू रोम्बिक स्ट्रक्चर, एसेट मॉलिक्यूल हैविंग पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी एसेट मॉलिक्यूल हैविंग पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इट इज प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेटिंग ऑफ रोल सल्फर इन CS2, मोनोक्लिनिक रोम्बिक सल्फर मेल्टेड इन अ डिश एंड पुल टिल क्रस्ट इज फॉर्म्ड, एंड देन आफ्टर टू होल्स आर मेड इनटू द क्रस्ट एंड रिमेनिंग लिक्विड इज पॉर्ड आउट
टू गिव इन द न्यूरल शेप क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सल्फर. तो ये प्रिपरेशन मेथड हो गया. ऑक्सैसिड्स ऑफ सल्फर, ऑल दिस यू नो ऑक्सैसिड्स, देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मुला यू हैव टू रिमेंबर अलॉन्ग विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मुला. दिस ऑल आर द ऑक्सैसिड्स ऑफ सल्फर. देन ऑक्सैसिड्स ऑफ हैलोजन आर, हैलोजन्स आर ऑल्सो देयर. ये ऑक्सैसिड्स ऑफ हैलोजन्स है, एच ओ सी एल, एच ओ बी आर, एच आई, एच ओ आई, एच ओ एफ. ओके, ऑल दीज आर ऑक्सैसिड्स ऑफ हैलोजन्स एंड उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी है ओनली. ओके, अब ऑक्साइड्स. अब ऑक्साइड्स में है बच्चों तीन टाइप के ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड फोर्थ वन न्यूट्रल ऑक्साइड. एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होंगे बच्चों? तो एसिडिक ऑक्साइड्स देखो, एसिड ऑक्साइड विच डिजोल्व इन वाटर एंड गिव्स द एसिड. बेसिक ऑक्साइड्स व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स बेसिक सब्सटेंस. तो देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक दिस वन मेटल ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस. ठीक है, एंड न्यूट्रल ऑक्साइड डो नॉट हैव द बेसिक और एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड. ओके, अब ओजोन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ ओजोन इज गिवन. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर देयर. ओजोन इज अ पेल येलो गैस, डार्क ब्लू इन लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक इन सॉलिड स्टेट. ठीक है, ओजोन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ओनली, इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन आर गिवन, सो ऑल दोस यू हैव टू गो थ्रू इट. स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना, ये स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन है दिस वन, दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. यूजेस ऑफ ओजोन, सेम वे यू हैव टू गो फॉर द सल्फर ऑल्सो. सल्फर का एक्चुअली ऑल दिस प्रिपरेशन मेथड ऑफ सल्फर, देन द रिएक्शन ऑफ सल्फर, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर एंड द यूजेस. ठीक है, दिस इज ऑफ H2SO4. Preparation method, chemical properties, structure and uses of H2SO4, chlorine and compounds of chlorine, interhalogen compound. ठीक है, you go through all topics, you will definitely get understand. Then chlorine and their compound, preparation methods हो गए यहाँ पे. Okay, chemical properties है ये सब. Okay, and then after hydrogen chlorine, hydrogen chloride, HCl के भी preparation method, chemical properties and their this one what we can say uses. एंड गाइज, इंटरहैलोजन कंपाउंड. इंटरहैलोजन कंपाउंड यानी द टू हैलोजन हैविंग स्मॉलर एंड बिगर साइज व्हेन कंबाइंड टुगेदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड. जनरली इट इज डिनोटेड बाय साइन एक्स एक्स डैश. बराबर है, जनरल फॉर्मूला देखो एक्स एक्स डैश एन. प्रॉपर्टीज क्या है? द कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज द हैलाइड्स ऑफ हैलोजन ओनली. देन इंटरहैलोजन कंपाउंड हैव द इवन नंबर ऑफ एटम्स, 2, 4, 6, 8 नंबर ऑफ एटम्स. द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड जनरली इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द हैलोजन्स व्हिच कंबाइंस टुगेदर. ठीक है, and the number of halogen x dash atoms in the compounds are always in odd number. जो x dash atom है halogen के, वो smaller smaller size में होंगे और वो odd number में रहेंगे most of the time. okay, and they are all are diamagnetic. and these are some preparation method of interhalogen compound. ये प्रॉपर्टीज है जहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्सैसिड्स, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, फ्लोरिनेशन, एडिशन अक्रॉस दी ऑलिफिन्स और गिवन इन यूजेस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड. सम इंटरहैलोजन कंपाउंड मोनो इंटरहैलोजन कंपाउंड, ट्राई हैलोजन्स है. ठीक है, तो ICI इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन, देन एज अ कैटलिस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहैलाइड्स. ठीक है, एंड देन सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड आर गिवन ओवर हियर इन दिस चार्ट. फाइनली यू गो फॉर the xenon fluoride, preparation of xenon fluoride, that is you can say the 18 group element, jo ki say non-reactive hai, but few in certain condition at higher temperature and higher pressure it is reactive. So examples are given and their structural formulas are given for the xenon compounds. And finally the uses of all these element, helium, neon and argon, all these 18 group element inert gases ke uses diye hai, helium ke hai, the neon and the argon. Helium, mixture of helium and oxygen is used for the artificial breathing of asthma patient. Mixture of HE and O2 is used for the respiration by sea divers. Okay? Then for neon, discharge lamp are there in fluorescent tubes, production of laser. In neon use karte hai argon ko production to produce that inert atmosphere. Then mixture of 85% argon, 15% nitrogen is filled in electric bulb, argon bulb bhi aata hai, in filling fluorescent tubes and in mix with the neon to get lights of various colors. So these are few uses. So guys, this way we have finished the whole 16, 17, then the 18 group element, that is P block element. यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा theory के ऊपर focus करना है, यहाँ पे numericals है ही नहीं actually. Structural formula,
ठीक है, उनके यूजेस, कंपाउंड्स जैसे कि SO2 हो गया, O3 हो गया, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होंगे, द कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन, ऑल दिस यू नीड टू बी रेडी विथ इट. ठीक है, नाउ विल गो फॉर द MCQ. Few of the MCQ I have taken over here of element of group 16, 17 and 18. Okay, what is the most abundant element on the earth? 2015 में आया था क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन दी अर्थ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर, एक्चुअली ऑक्सीजन की दी परसेंटेज ज्यादा है हमारे अर्थ क्रस्ट पे, तो द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन. विच हैलोजन हैज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? ओके, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पे हैलोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑल आर हैलोजन ओनली. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? क्लोरीन की है. क्लोरीन हैविंग द हाइएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ओवर द. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी क्या? जब भी आप इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो एनर्जी रिलीज करो. तो क्लोरीन यूज टू रिलीज द लॉट ऑफ एनर्जी, 2017 में क्वेश्चन आया था गाइस. तो हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की. विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट? डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, H2O है, H2S है, H2SE एंड H2TE. बच्चो, ऑल दिस कंपाउंड्स हैविंग द हाइड्रोजन, बराबर है, तो सब में तो एक्चुअली रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होगी, बट स्टिल H2O इज नॉट अ रिड्यूसिंग कंपाउंड, इट्स एम्फोटेरिक सब्सटेंस ओनली, एक्ट एज एन एसिड और अ बेस. तो H2O इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड? न्यूट्रल ऑक्साइड, ओके, देखो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हमने पढ़े, यहाँ पे एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल, ये चार टाइप पढ़े. एसिडिक ऑक्साइड यानी क्या? नॉन मेटल ऑक्साइड्स. बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड. तो देखो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है. अब NO2 इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, बट इट डू नॉट फॉर्म्स एनी, यू नो, डो नॉट मिक्स विद द वाटर. ना तो वो एसिडिक सब्सटेंस फॉर्म करता है, ना तो बेसिक सब्सटेंस फॉर्म करता है. तो NO2 इज द करेक्ट आंसर, विच इज अ न्यूट्रल वन. 2015 में आया था ये क्वेश्चन. ओके, द रिएक्टिव स्पीसीज इन क्लोरीन ब्लीच इज, ठीक है, रिएक्टिव स्पीसीज इन क्लोरीन ब्लीच, रिएक्टिव स्पीसीज इन क्लोरीन ब्लीच क्या है? Cl2O है या फिर OCl- साइंस है, ClO2 है या फिर HCl है, ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, OCl- is the reactive species over there. Oxygen with the chlorine having a negative charge. The B is the correct answer. And in the structure of ClF3, it's an interhalogen compound, huh? ClF3. The number of lone pair of electron in the central atom chlorine is. ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा था. Lone pair of electron on chlorine. ठीक है, chlorine में total 3 lone pair of electron होंगे. उसमें से एक तो lone pair of electron use हो जाएगा to form a bond. So the number of lone pair of electron after remains will be 2. So the 2 is the correct answer, option B. Okay, so guys you need to see the logic. Chlorine है, जहां पे एक तो पैर यूज हो जाएगा, दूसरे दो पैर बच जाएंगे, 2 करेक्ट आंसर. ठीक है गाइज, चलो तो हियर आई थिंक सो वी फिनिश दी सम MCQs ऑफ दिस वन. ट्रांजिशन एंड इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट पहले उसका थियरी डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर विल गो फॉर दी दिस वन MCQs. ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. बच्चों यहाँ पे ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी DNA ब्लॉक एलिमेंट है, राइट? DNA ब्लॉक एलिमेंट, उसमें हमें देखना क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ए ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक में हमें 3D सीरीज के ऊपर फोकस करनी है. 3D सीरीज कौन सी है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. ओके, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30. तो हमारा पोजीशन देख लो, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट और ये इनर एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जिसमें दो सीरीज होता है, लैंथेनरी सीरीज एंड एक्टिनरी सीरीज. फ्रॉम 3 टू ग्रुप 12 ये हमारा डी ब्लॉक हो गया. ओके, चलो तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं 3D सीरीज का. 3D सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लो. आर्गन 3D1 4S2, दिस इज एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड. आर्गन 3D1 4S2, फाइनली यहां पे आर्गन 3D10 4S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट, स्कैंडियम +1 +2 +3, टाइटेनियम +2 +3 +4, एक एक ऐड होता जाएगा, +2 +3 +4 +5 फॉर वैनेडियम, क्रोमियम +2 +6, मैंगनीज +2 +7, Fe +2 +6, अभी एक एक कम होता जाएगा, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन वहां पे एड ऑन होता जाएगा इन द डी ऑर्बिटल्स. कोबाल्ट +2 +5, निकल +2 +4, कॉपर +1 +2 एंड जिंक +2 ओनली. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली
दे शोज प्लस वन और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, समटाइम्स प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज गिवन ओवर देयर। देखो एम प्लस आइंस, एम टू प्लस आइंस, एम थ्री प्लस आइंस, एम फोर प्लस आइंस, तो प्लस वन टू प्लस फोर ऑल द थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर देयर। Now, we'll go for some physical properties of this compound, atomic and ionic radius. देखो बच्चों, ये group जो है D block element specially, ये group में नहीं है, period में है। If you see the position over here, ये देखो D block element, we just generally discuss in period. कौन से period में है? Fourth period में है, ठीक है। Even lanthanide and actinide series also, you know, present in this period only, sixth and seventh period में है, ठीक है। सो हियर द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस विल बी डिफरेंट कंपेयर टू द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस फॉर द ग्रुप, ग्रुप से भी डेफिनेटली डिफरेंट ही रहेगा, उसके अपोजिट वर्क करेगा वो एक्चुअली। सो एटॉमिक आयोनिक रेडियस फॉर द ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक, देखो ग्रुप में वो इंक्रीज होता है बट इन पीरियड इट विल बी डिक्रीजेस, ठीक है, इट विल बी डिक्रीजेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, इट विल बी डिक्रीजेस ओनली अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। हियर सम वैल्यूज आर गिवन ओवर देयर, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में डिक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अक्रॉस द पीरियड विल बी इंक्रीज, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डन। देन हियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज देयर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट डिस्कस किया है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस एम बी एम। ओके, अदर प्रॉपर्टीज में क्या है, कलर, कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर एग्जिट करता है, आई एम सॉरी नॉट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन कंपाउंड फॉर्म्स द कलर, क्यों, क्योंकि वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है, एंड ड्यू टू दैट रीजन ओनली दे यूज टू एग्जर्ट द कलर टू द कॉम्प्लेक्सेस। अब कलर की रेंज देख लो तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ठीक है, सो ऑल दिस डिफरेंट नैनोमीटर्स हैविंग अ डिफरेंट कलर ओनली, दैट इज गिवन ओवर देयर। अब ये जो है सारे ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज अलोंग विद देयर कलर, स्कैंडियम कलरलेस, Ti3+ पर्पल, Ti4+ कलरलेस, वेनेडियम V3+ ग्रीन, क्रोमियम 3+ वायलेट, Mn2+ लाइट पिंक, देन Mn3+ इज वायलेट, Fe2+ पेल ग्रीन, Fe3+ इज येलो, Co2+ पिंक, Ni2+ ग्रीन, Cu2+ ग्रीन, Cu2+ इज ब्लू एक्चुअली, एंड देन Cu+ इज कलरलेस, एंड Zn2+ कलरलेस, Zn2+ कलरलेस ही रहेगा एवरी टाइम, ठीक है, एंड स्कैंडियम इज कलरलेस या फिर वाइट कह सकते हैं। नाउ अदर प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ इंटरहैलोजन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दिस 3D सीरीज एलिमेंट डू हैव अ प्रॉपर इंटरहैलोजन, यू नो, फॉर्मेशन ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड ओनली, नॉट इंटरहैलोजन कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड यानी क्या, दो रो के बीच में गैप में आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर हार्ड एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयर केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू द पेरेंट मेटल, देयर मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन द प्योर मेटल, देयर डेंसिटी आर लेस देन द पेरेंट मेटल, मेटालिक कार्बाइड्स आर केमिकली इनर्ट, एंड हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर्मेशन ऑफ अलॉय इज अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी ओनली, अलॉय फॉर्म करेंगे यहाँ पे, स्कैंडियम है, वेनेडियम है, वेनेडियम स्पेशली जो टायर के अलॉय है उसमें यूज किया जाता है, आयरन है वहाँ पे, ओके, तो आयरन के लिए स्टील, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिंक है, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब बनाने के लिए जिंक का यूज होगा, कॉपर का यूज होगा, राइट, तो ये अलॉय फॉर्मेशन में यूज होता है। फॉर्मेशन ऑफ अलॉय इज देयर, यूज ऑफ अलॉय इज आर गिवन ओवर देयर। अब कंपाउंड्स ऑफ दिस वन सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो जो यहाँ पे K2Cr2O7 एंड K1O4, प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी एंड ऑल द यूजेस, ठीक है, ऑल आर गिवन ओवर हियर, यू जस्ट गो थ्रू इट, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो गिवन ओवर देयर, ठीक है, एंड द मेटलर्जी प्रोसेस, मेटलर्जी प्रोसेस में क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कौन कौन से यूज होते हैं, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, तीन मेथड है। पायरोमेटलर्जी क्या, अ प्रोसेस इन विच ओर इज रिड्यूस टू मेटल एट अ हायर टेम्परेचर, हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस इन विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द एक्वियस सॉल्यूशन,
एन इलेक्ट्रोमेटलॉजी अ प्रोसेस इन विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन. ओके, एनोड कैथोड रिएक्शन होगा और वहां पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होगा. स्टेप्स कौन कौन सी इन्वॉल्व है, सी द फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन के बाद फिर आ जाएगा रोस्टिंग, रोस्टिंग के बाद रिडक्शन. ठीक है, सो दिस द होल फ्लो चार्ट इज गिवन अबाउट द हाउ दिस मेटल गेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर ओनली. ओके, दीज आर सम ओर्स आर गिवन, ओर्स ऑफ आयरन, हेमाटाइट ओर, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पाइराइट, सीडेराइट, कॉपर का है, कैल्कोपाइराइट, कैल्कोसाइट एंड क्यूपराइट, एंड जिंक, जिंक ब्लेंड, जिंसाइट एंड कैलमाइन. सो दीज आर द नेम्स ऑफ सम ओर्स ऑफ मेटल आर गिवन. ये ब्लास्ट फर्नेस किस तरह से वर्क होता है, द रिएक्शंस. ठीक है, रिफाइनिंग जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, व्हाट इज दैट जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ फ्यूजन, ये पूरा ब्लैक फर्नेस के बारे में बताया है. प्रॉपर्टीज ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट इज डन ए ब्लॉक एलिमेंट. ए ब्लॉक में लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, ये दो सीरीज है बच्चों. सी द टू सीरीज आर गिवन ओवर हियर, लैंथेनाइड एंड देन एक्टिनाइड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री होता है लैंथेनाइड में भी, ऑक्टिनाइड में भी. कलर, कलर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलर, पी आर थ्री प्लस ग्रीन, टी एम थ्री प्लस ग्रीन, एंड एन डी नियोडाइमियम है पिंक, एंड अर्बियम पिंक कलर. ठीक है, एटोमिक एंड आयोनिक रेड है, दैट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अक्रॉस द पीरियड है, तो एटोमिक एंड आयोनिक रेड इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट. एक्टिनाइड को भी सेम है. ओके, एंड हियर द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस ऑफ गिवन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज. सिमिलैरिटीज की, बोथ हैविंग प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, बोथ द सीरीज एफ ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व. यस, आयोनिक रेड आई ऑफ द एलिमेंट इन बोथ द सीरीज डिक्रीजेस अक्रॉस द एंड इंक्रीजेस अक्रॉस द एटॉमिक नंबर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन बोथ द सीरीज इज लो एंड आर सेड टू बी हाईली रिएक्टिव. एंड द नाइट्रेट, परक्लोरेट, सल्फेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर सॉल्युबल व्हाइल द हाइड्रोक्साइड्स then fluorides and carbonates are insoluble. ठीक है, difference क्या है, lanthanide shows the maximum oxidation state plus 4 while actinide shows plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 and plus 7. plus 7 तक oxidation state जाएगी, lanthanide के plus 3 है सिर्फ. lanthanide do not form complex, actinide forms the complex. all lanthanides are non-radioactive except promethium. ठीक है, lanthanides are non-reactive है except promethium. promethium is a reactive element in the lanthanide. ठीक है, and but actinides are all actinides are radioactive in nature. Radioactive yani kya bachcho, the element used to emits the radiation alpha, beta and gamma radiation. Then most of the lanthanides are colorless in nature while actinides are colored ions. theek hai, lanthanide colorless hai, actinide hai colored. And then electronic configuration of actinide series is given over here and comparison as block element, lanthanides and transitions element. theek hai, and post transition elements एटॉमिक नंबर 92 ऑनवर्ड्स, यानी 93 से लेके से 103 तक, दीज आर इंक्लूडेड द एक्टिनाइड सीरीज एंड दीज आर कॉल्ड टू बी फ्रॉम 104 टू 118 आर कॉल्ड टू बी पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट्स. ठीक है, 104 के बाद जो सारे एलिमेंट्स है टिल 118 पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट्स कहा जाता है उनको. राइट, एंड अदर थिंग्स यहाँ पे और कुछ तो इंपॉर्टेंट है नहीं. ओके, सो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन मेथड, मेटलर्जी प्रोसेस, कौन से टाइप की मेटलर्जी है वो, और क्या है उसके फॉर्मुलेस क्या है, ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू बी प्रिपेयर विद इट. ठीक है, एमसीक्यूज टाइम. ओके, ट्रांजिशन इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन निकल, एटॉमिक नंबर इज 28. अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों निकल में, 28 है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा लास्ट वन दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल. सो दी यहाँ पे आंसर होगा 2, या 0, 2, 4 and 8. सो द आउटरमोस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दिस वन आर 2 ओवर देयर. आप देख लो एटॉमिक नंबर कितना है निकल का, 28. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, सॉरी आर्गन 3d, आर्गन कितना 18, देन 10 ना, तो हो जाएंगे वहां पे या 18 10 3d 10 या d ऑर्बिटल्स 4s में दो चले जाएंगे, एंड दिस वन 3d
एट, ठीक है, 3d8 है, तो वहां पे दो इलेक्ट्रॉन विल बी दी अनपेड इलेक्ट्रॉन। चलो यहां पे है Mn2 plus ions, the next question, Mn2 plus ions compounds are, Mn2 plus compounds are more stable than Fe2 plus ions compound towards oxidation to their plus 3 oxidation state because, what is the answer? एक मिनट, Mn2 plus is more stable with the high third ionization energy, Mn2 plus is bigger in size, Mn2 plus ions are completely filled d orbital and Mn2 plus does not exist, Mn2 plus तो exist होता है बच्चों, so it is more stable, ठीक है, Mn2 plus is more stable with the high third ionization enthalpy. Ionization enthalpy in the third will be increases and that's why this one Mn2 plus compounds are mostly stable. ठीक है, now next one, a compound absorb light in the wavelength region of 492 500 nanometer. Its complementary color कौन सा होगा? ब्लू ग्रीन होगा, ग्रीन होगा, रियल टाइम में ऑरेंज मिलेगा, रेड मिलेगा या फिर ब्लू ग्रीन. So the compound which is complementary in the range of 490 to 500 is red. Okay, red is the answer. Which of the following statement about the interstitial compound is incorrect? Interstitial compound, interstitial compound are much harder. वो तो है. Transition elements carbide are chemically reactive. Then transition metal hydride are powerful reducing agent. And the next one is transition metals. Interstitial compounds have higher melting point than the pure metals. Interstitial compound are much harder. वो तो है transition metal. Carbides are chemically reactive. Carbides are unreactive. The B is the answer. Option B. Okay. The ore, chromite ore is. देखो ore के ऊपर formula के ऊपर याद रखना है. Chromite ore कौन सा है बच्चों? FeCr2O4 है या फिर B CO क्या है? दूसरा CO Cr2O3 CrF2O4 या फिर FeCr2O3, what is the correct answer? FeCr2O4, FeCr2O4 is the correct answer, option A. The only radioactive elements among the lanthanide, lanthanide में radioactive कौन सा है? Promethium ना, C option. And reason of lanthanide contraction, what is the reason of lanthanide contraction? Negligible screening, increasing nuclear charge, decreasing nuclear charge or decreasing screening effect? Negligible screening, that is the answer. Lanthanide contraction, screening effect negligible hai, of effect of F orbital. So that is the answer. And here we finish all the three topics bacho, where we studied P block element, D and F block element, that is transition inner transition, element of group 16, 17, and 18. And we studied also chemical kinetics. So yahan pe bacho humne MHTCET ka pura jo syllabus hai wo cover kar liya hai. I hope aapne sabhi videos acche se dekhe honge aur video agar nahi dekhe hai to dekh lo. Usme sare MCQs humne cover karne ki koshish ki hai, at the same time sare topics bhi explain karne ki try ki hai. Now these are the theoretical topic. Thoda sa yahan pe main gaya hu because I need to finish up this things. To main theoretical topic aap acche se usko read करो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा. इन केस कुछ नहीं होगा समझ में तो आप कमेंट कर सकते हो. ठीक है गाइस, सो हियर वी आई डिक्लेयर द होल सिलेबस इज कंप्लीटेड नाउ. ओके, वीडियो अच्छे से देख लेना और प्रिपरेशन करना. ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर.